अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, वही अमृतपाल जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और पंजाब पुलिस उसे खोज खोज कर परेशान हो गई थी। अमृतपाल पिछले 36 दिन से पुलिस को चकमा देकर फरार था। अमृतपाल गिरफ्तार कैसे हुआ ये जानकर आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। यानी एक शख्स जिसने पूरे प्रदेश की पुलिस को परेशान कर दिया, वो आराम से गुरुद्वारे में प्रवचन दे रहा था और खुद सरेंडर करने की तलाश में बैठा हुआ था। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। इंडिया के मोस्ट वांटेड अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने रविवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अमृतपाल को रोडी गांव के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया है और अब उसे भटिंडा एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए असम के डिब्रूगढ़ जेल में पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें, अमृतपाल पर NSA के तहत मुकदमा दर्ज है। आपको ये भी बता दें कि बीते 23 फरवरी को पंजाब के अजनाला थाने पर अमृतपाल पर आरोप लगा कि उसने हमला कराया है। इसके बाद 18 मार्च को पुलिस ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी भी की, लेकिन वहां से अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल रोडे गांव के गुरुद्वारे में जब पहुंचा तो उसने अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया, लेकिन बाद में अमृतपाल ने खुद कहा कि वो सरेंडर करने के इरादे से आया है। वहीं पुलिस की माने तो अमृतपाल ने गिरफ्तारी के बाद सिर्फ इतना कहा कि गिरफ्तारी अंत नहीं बल्कि उसकी शुरुआत है। पुलिस की माने तो गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल ने साफ साफ कहा कि जहां से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है वो जनरल सिंह भिंडरावाले का जन्म स्थान है। वहीं अमृतपाल ने ये भी कहा कि पिछले एक महीने से जो भी गलत इल्जाम उसके ऊपर लगे हैं उनके लिए वो लड़ने के लिए सामने आया है। अमृतपाल का कहना है कि वो झूठे केसेस का सामना करेगा, वो चाहता तो आराम से गिरफ्तार हो सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर भिंडरावाले के जन्म स्थान को चुना ताकि सच्चे गुरु की कचहरी में आराम से सरेंडर कर ले। बीते 20 अप्रैल को ही अमृतपाल की NRI पत्नी किरणदीप कौर को अमृतसर एयरपोर्ट पर रोककर पूछताछ की गई थी। बताया जा रहा है कि किरणदीप लंदन जाने की फिराक में थी, जहां एयरपोर्ट पर उनसे करीब 3 घंटे की पूछताछ की गई और वापस लौटा दिया गया। इसके बाद तीसरे ही दिन यानी 23 अप्रैल को अमृतपाल भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुरुद्वारे में सादे कपड़े पहनकर एंट्री की और अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई होगी इसका इंतजार तो सभी कर रहे हैं। शायद जल्दी अमृतपाल को उसके गुनाहों की सजा भी मिल जाए। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।